हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष केक्स एंड बेक्स। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं फिर से एक केक की रेसिपी लेके आई हूँ, तो मैं उसको स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये जन्माष्टमी के लिए केक बना रही थी, उसका वीडियो है। तो यहाँ ये मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, मेजर करके वनीला प्रीमिक्स है ये, प्रोपोलाइट कंपनी का। और आज मैं जो है वो जन्माष्टमी के लिए केक बनाया था मैंने। केक तो मैंने पहले बना के अपने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं मैंने कैसा बनाया था। और उसका वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई थी कल, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और टाइम नहीं था करने का। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और इसका अच्छा से एक बैटर बना लूँगी। तो थोड़ा सा बिजी थी तो टाइम नहीं मिला वीडियो को शेयर करने का, तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ जो है ये प्रीमिक्स जो है मैं धीरे धीरे करके जो है बैटर बनाती हूँ। और ये जो केक है जन्माष्टमी के लिए मैं बना रही हूँ, अपने कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ ये बैटर मेरा जो है अभी थिक है, इसको मैं थोड़ा सा लूज करूँगी, थोड़ा सा और पानी इसमें जाएगा, अभी थोड़ा सा और पानी डालूंगी और फिर इसका थोड़ा सा और अच्छे से मिलाऊंगी। अभी थोड़ा ये बैटर जो है वो थिक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और इसका एक बैटर बना लेती हूँ। तो यहाँ ये मेज़र करके मैंने ऑयल लिया है, 25 ग्राम ऑयल है ये, और स्पून से आप मेज़र करोगे तो ये 2 टेबल स्पून ऑयल होगा। तो यहाँ मैं ऑयल थोड़ा कम ही ले रही हूँ, क्योंकि प्रीमिक्स में जो है थोड़ा ऑयल आप कम लेके चलोगे तो आपके स्पॉन्ज जो है ऊपर से ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा, जो एक ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है ना वो नहीं होगी। और ये बैटर हमारा अब रेडी है, अच्छे से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो स्पैचुला से भी एक बार इसको मिला लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए, तो ये देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी है, अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी आया है इसकी। और इसको मैं जो है अब बेक करने के लिए ले लूँगी। तो यहाँ मैंने पहले से ही मोल्ड जो है वो रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ ये मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के मोल्ड में और उसको रेडी करा हुआ है। और ये 7 इंच का मोल्ड है मेरा, तो मैं 7 इंच के केक मोल्ड में आपका वो केक स्पॉन्ज बता रही हूँ। तो इसमें मैं इसको बेक कर लूँगी। इसको बेक करना है, मैं इसको लो हीट पे ही बेक करती हूँ, 160 पे मैं बेक करती हूँ। 30-35 मिनट्स के लिए आप बेक करेंगे, तो क्योंकि मैं लो फ्लेम पे आप हीट पे आप बेक करोगे तो आपका स्पॉन्ज बहुत बढ़िया बनेगा। तो मैं इसको 160 पे ही बेक करती हूँ, तो 160 पे मैं इसको बेक करूँगी 30-35 मिनट्स के लिए। इसको मैं यहाँ पे बेक करने के लिए रख देती हूँ। तो अच्छे से मैंने सारा बैटर जो है वो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से टैप कर लेना है, अच्छे से हर तरफ से टैप करेंगे ताकि जो है एयर बबल्स सारे जो है वो निकल जाएंगे। तो अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ, लोअर रैक पे रखना है, मिडिल रैक में नहीं, नीचे वाली जो रैक होती है उस पे रखेंगे और 160 पे बेक करेंगे। तो यहाँ ये स्पॉन्ज मेरा बेक भी हो गया और ठंडा भी मैंने कर लिया था इसको। अब मैं इसको डीमोल्ड कर लेती हूँ, देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज बना है। तो ये मेरा स्पॉन्ज जो है बन के रेडी है। तो ये मैं अब इसका कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके ऊपर की जो लेयर है वो मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, और जो है इसका जो हल्का सा जो डोम आया है मैं उसको रिमूव नहीं करूँगी, पूरी जो लेयर है उसको ही यूज़ करूँगी। तो जो इस केक की जो आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ, तो कोई अलग ही फ्लेवर दूंगी, अलग सा ही, कोई मैं पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी कोई फ्लेवर नहीं दूंगी। तो इसके लिए मैं जो है भगवान जी के भोग के लिए जाएगा, तो एक अच्छा ही फ्लेवर मैंने यहाँ पर बनाया है इस वीडियो में। तो देखिए इसमें पहले मैंने सारी जो है वो लेयर्स जो मैं इसकी कट कर लेती हूँ। तो कट करने के टाइम में बस आपको इतना ध्यान देना है कि साफ आपको अपनी टर्न टेबल को करना है, नाइफ को नहीं। तो यहाँ मैं सीधे बोर्ड पे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है फर्स्ट लेयर जो इसकी रख लिया, और मैं इसको यहाँ पे सोक कर लेती हूँ। सोक करने के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे ले रही हूँ पानी थोड़ा सा, और पानी में मैंने डाला है इसमें बेकर्स विले का रबड़ी एसेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा रबड़ी जो है वो फ्लेवर देना चाहती हूँ। तो आप दोनों तरीके से करते हो तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पानी से भी सोक कर सकते हो, और जो रबड़ी होती है ना उसके मिल्क से भी आप इसको सोक कर सकते हो, और रबड़ी से भी ऊपर से इसका एक लेयर दोगे तो आपके स्पॉन्ज में जो है वो रबड़ी का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये जो मैंने रबड़ी है जो पहले ही बना के रखी हुई है, 1/2 लीटर मिल्क से मैंने रबड़ी बनाई थी,
तो और मैं क्रीम में ये जो है रबड़ी एसेंस यूज़ कर रही हूँ बेकर्स वे का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे और इसके ऊपर इसको डाल दूँगी और अच्छे से क्रीम को सारे में अप्लाई कर लूँगी। तो ये मैं रबड़ी फ्लेवर केक बना रही हूँ कान्हा जी के लिए आज, और ये केक जो है फ्रेंड्स मैं मंदिर में दूँगी, मेरे घर के पास ही मंदिर है और वहाँ मैं ये केक देने वाली हूँ। और ये जो है मैंने यहाँ पे जो रबड़ी बनाई थी वो भी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो ये घर की रबड़ी बनाई है मैंने, जो दूध को गाढ़ा किया है, हाफ लीटर मैंने फुल फैट क्रीम वाला जो मिल्क आता है वो लिया है और उसको चलाते चलाते उसको मैंने थोड़ा सा रबड़ी तरह बनाया है। और ये थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी ऊपर से डाल देती हूँ जो कि टेस्ट में अच्छे लगेंगे। तो यहाँ ये मैं बना दिया, उस तरह से मैं सारी जो लेयर्स हैं ना सेम इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये सेकंड लेयर भी मैंने रख ली है, जो टॉप लेयर है वो मैंने मिडल में रखी है और जो मिडल वाली लेयर है वो मैं टॉप पे रखूँगी। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पहले मैंने जो है रबड़ी का जो मिल्क होता है ना उससे सोक किया और फिर थोड़ा सा पानी से भी सोक किया और इसको मैंने अच्छे से जो है सब तरफ से कवर कर लिया और क्रम कोट कर लिया है अपने केक को। यहाँ सेम मेथड से ही मैंने जो है पूरे केक को क्रम कोट कर लिया है और एक्स्ट्रा क्रीम लिया है, उस पर मैंने थोड़ा येलोइश कलर लिया है और रबड़ी एसेंस लिया है। तो यहाँ ये छोटा सा मैंने केक बनाया है छोटू सा, इसकी मैं मटकी बनाऊंगी तो इसको भी मैं सेम मेथड से ही कवर कर लूंगी काट के पहले इसकी लेयर। सबसे पहले इसकी मैं लेयर कट कर ली है मैंने यहाँ पे और इसमें भी मैंने रबड़ी जो है वो उसका मिल्क लगा लिया है ऊपर से सेम उसी तरह से जैसे पहले मैंने स्पॉन्ज पे किया था बड़े वाले में, उसी तरह से मैं इसको भी कवर कर लूँगी पूरा और जो है ऊपर से इसका जो डोम है उसको मैं हटाऊंगी नहीं, उसको मैं ऊपर एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे उसको एक राउंड शेप देना है मटकी के जैसे, तो वो मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ जो है ये केक फ्रेंड्स मंदिर में जाने वाला है और इस केक के मैंने फ्रेंड्स कोई पैसे चार्ज नहीं किए, ये मैं अपनी खुशी से अपने मंदिर में जो है वो दे रही हूँ। और इसके साइड देखिए मैं नीचे से कट कर दे रही हूँ, एक राउंड शेप मुझे इसको देना है नीचे से गोलाई में, तो इसको मैं क्रम कोट कर लेती हूँ पहले। इस क्रीम में भी मैंने रबड़ी का एसेंस जो है वो यूज़ करा हुआ है तो ये पूरा रबड़ी केक है कान्हा जी के लिए। तो ये जाने वाला है, ये केक मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरे को और भी बहुत काम थे और कान्हा जी के लिए इसको मंदिर में मुझे भेजना था। तो ये जो है मैं अच्छे से इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो क्रीम है उसमें भी थोड़ा ये ब्राउन कलर डाल लिया है और इससे मैं इस पूरे केक को जो है कवर करूँगी। तो अच्छे से सारे में जो है जो क्रीम मैं लगा देती हूँ ये ब्राउन कलर की, तो ये ब्राउन कलर की पहले मैंने मटकी बनाऊँगी यहाँ पे अच्छे से। तो ये जो मैंने एक फाइल का एक पीस काट के और उससे मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ अच्छे से राउंड शेप देते हुए नीचे से भी इसको अच्छे से हमें जो कर लेना है, तो ये मटकी के जो पूरा शेप है वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा राधे राधे क्योंकि ये कान्हा जी का बर्थडे का केक है, तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ऊपर से भी मैं इसको यहाँ पे क्रीम देख ऐसे तरह करते हुए और मटकी का ऊपर का शेप दूंगी और इसको भी बाद में मैं स्मूथ करूंगी। आग लगा दिए तो मैं स्मूथ करने की पूरी कोशिश कर रही थी जितनी मेरे से हो पा रही थी, तो मैं उतनी पूरी कोशिश कर रही थी। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेती हूँ और नीचे से भी ऊपर से भी, और ये देखिए हमारी मटकी बनके रेडी है। तो यहाँ जो है मैं इसमें थोड़ा सा न्यूट्रल जेल लूँगी और न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा ब्राउन कलर और थोड़ा सा वाटर डाल के उसका एक लिक्विड पेस्ट बनाऊँगी और उसको यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से लगा देती हूँ। तो ये न्यूट्रल जेल है फ्रेंड, कोई गनाश नहीं है, तो ये न्यूट्रल जेल है और उसमें मैंने ब्राउन कलर ऐड किया है और उसको मैं यहाँ पे, तो मैं फाइल से इसको हर तरफ से पूरे को स्प्रेड कर लूँगी न्यूट्रल जेल को भी, तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। तो ये मेरी मटकी जो बन, तो यहाँ जो है केक मैंने बना लिया है और इस केक मटकी को भी मैंने बड़े वाली जो केक है उसके ऊपर रख दिया है
और यहाँ जो है मैं इसके ऊपर भी थोड़े से जो क्रीम है वो मक्खन की तरह इस पर लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं इसका नीचे बॉर्डर दे रही हूँ सेम क्रीम से, येलो कलर की क्रीम बनाई है मैंने रबड़ी एसेंस डाल के, तो ऊपर से भी मैं इसका बॉर्डर दे दूँगी और नीचे से भी सेम बॉर्डर दूँगी। तो ये मटकी वाला केक हमारा बन के रेडी है। और इसमें मैं थोड़ा सा और काम करूँगी, तो यहाँ साइड में मैं थोड़े से छोटे छोटे से स्टार्स बना दूँगी। छोटे छोटे से यहाँ मैं स्टार बनाऊंगी इस तरह से, और इनके ऊपर मैं लगा दूंगी गोल्डन बॉल्स जो हैं वो यहाँ मैं लगाऊंगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सिल्वर स्प्रे कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि जो केक है हमारा बहुत सुंदर लगे। और ऊपर से मैंने ये छोटे से जो कान्हा जी हैं उनको यहाँ पे बिठा दिया है। तो इस तरह से ये मेरा कान्हा जी के लिए जो केक है वो रेडी है, और अब मैं इसको मंदिर में भेज दूँगी। तो ये केक मैंने मंदिर में भेज दिया था, और ये केक मतलब भेज के ना इतना अच्छा लगा मन में कि मतलब अगर आप इस चीज़ के पैसे नहीं भी लोगे ना तो भी अच्छा लगता है मन में, कि अगर बिना पैसे लिए भी आप कुछ अच्छा करते हो तो उसके लिए भी अच्छा लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे के लिए ही की जाए। तो ये हमारा कान्हा जी के लिए जो केक है वो बन के रेडी है। आप सबको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।